जिंदगी में एक बार जो फैसला कर लो तो पीछे मुड़कर मत देखना, जिंदगी में एक बार जो फैसला कर लो तो पीछे मुड़कर मत देखना, क्योंकि पीछे मुड़कर देखने वाले लोग इतिहास नहीं रचते। हेलो मेरे जेस्टर, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ कि बहुत ही अच्छे होंगे। तो मैं उन लोगों से कुछ कहना चाह रहा हूँ जिन लोग कहते हैं कि शायद हमारी स्मार्टनेस कैसे बढ़ेगी, हम सुंदर खूबसूरत कैसे दिखेंगे। अरे माँ, खूबसूरत क्या स्मार्टनेस, यानी कि सुंदरता का मतलब लोग जानते हैं, रियल सुंदरता क्या होती है, वास्तव सुंदरता होती क्या है? वो खाली मने तरह तरह की क्रीम लगाएं और फेस वॉश लगाएं तो वो सुंदरता नहीं होती है। वास्तव सुंदरता वो होती है जो अपने मेहनत से, अपने मेहनत के प्रति मेहनत करके और कुछ प्राप्त कर लीजिए आप, ठीक है, सक्सेस हो जाइए, ठीक है, तो वो सुंदरता होती है। लोग की सुंदरता जो होती है उसकी मेरिट से होती है, उसकी सफलता से होती है, ना कि खूब फेयर लवली लगा करके या फेस वॉश लगा करके जो सुंदरता होती है वो सुंदरता नहीं होती। आप खूबसूरत है, बहुत ही खूबसूरत है, लेकिन आपके पास कोई मेरिट नहीं है, आप सफल नहीं है, तो सुंदरता कोई काम का नहीं है। तो वास्तव में रियल सुंदर बने, मेहनत करें और सफलता प्राप्त करें और वास्तव में सुंदर बने, ठीक है। तो आइए, आज का टॉपिक है मादा जनन तंत्र, यानी कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। क्या है? फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मादा जनन तंत्र। तो आज हम जानेंगे इस वीडियो में मादा जनन तंत्र होती क्या है। तो आइए, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मादा जनन तंत्र, ठीक है। तो एक क्या है, एक फीमेल की जनन तंत्र है। क्या है? फीमेल की जनन तंत्र, यानी कि मादा जनन तंत्र का फिगर है। ये जो ऊपर वाला भाग है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फंडस बोलते हैं। और ये जो है फ्लोबियन ट्यूब है। क्या है? फ्लोबियन ट्यूब, यानी कि अंडवाहिनी, यानी फ्लोबियन नलिका भी बोल सकते हैं इसको। तो एक मादा जनन तंत्र में जो होता है, यानी कि गर्भाशय में दो फ्लोबियन ट्यूब होती है, एक यहाँ फ्लोबियन ट्यूब है और यहाँ एक फ्लोबियन ट्यूब, यानी कि फ्लोबियन नलिका दो होती है, ठीक है। मादा जनन तंत्र यानी कि गर्भाशय में दो वो क्या होती है, फ्लोबियन ट्यूब होती है, एक जोड़ी होती है, यानी कि अंडवाहिनी दो होती है, इस साइड में और एक इस साइड में, और दो अंडाशय यानी कि दो ओवरी होती है, ठीक है। इसकी कितनी ओवरी होती है, दो ओवरी होती है, दो अंडाशय होती है, ठीक है। तो और इसको हम क्या बोलते हैं, वजाइना यानी कि योनि बोलते हैं, और इसको सर्विक्स यानी कि डीवा बोलते हैं, ठीक है। और ये क्या है, ओवम है, यानी कि ये जो है वजाइना जो है यानी कि योनि, इसी रास्ते से स्पर्म का एंट्री करने का रास्ता, इसको हम वजाइना बोलते हैं। ऐसा क्या है, डीवा है यानी कि सर्विक्स है। और ये जो है ओवरी है, एक जोड़ी यानी कि एक जोड़ी ओवरी पाई जाती है, ओवरी यानी कि अंडाशय, अंडाशय जो है एक जोड़ी पाई जाती है। तो अब बताइए कि अंडाशय में यानी कि ओवरी में ही ओवम का, अंडाणु का फॉर्मेशन होता है। अंडाणु का निर्माण कहाँ होता है, तो ओवरी के अंदर होता है। इसलिए हम ओवरी को क्या बोलते हैं, प्राथमिक लैंगिक अंग, यानी कि प्राथमिक लैंगिक अंग बोलते हैं, यानी कि प्राइमरी सेक्स ऑर्गन इसलिए बोलते हैं इसको, क्योंकि इसमें ओवम का, अंडाणु का फॉर्मेशन होता है। अंडाणु का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है, ठीक है, इसलिए इसको हम प्राथमिक लैंगिक अंग बोलते हैं। तो ये अंडाणु का फॉर्मेशन कब होता है, अंडाणु का निर्माण कब होता है? तो अंडाणु का निर्माण लगभग फीमेल में, गर्ल्स में 10 से 12 साल की अवस्था में होती है, यानी लगभग 10 से 12 साल की गर्ल्स हो जाती है तो उसके अंडाशय में ओवम बनना स्टार्ट हो जाते हैं, यानी ओवम का फॉर्मेशन चालू हो जाता है। उस अवस्था में हार्मोन की उत्पत्ति, अंडाशय में जो है हार्मोन बनने लगता है, इसका नाम है एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। दोनों हार्मोन का निर्माण होने लगता है, फॉर्मेशन होने लगता है अंडाशय के अंदर, ओवरी के अंदर, ठीक है, जिससे हार्मोन की उत्पत्ति से फीमेल की शरीर में बहुत सारे चेंजिंग देखने को मिलती है, जैसे अस्तनों का विकास होता है, आवाज पतली हो जाती है, ठीक है, और वे उस अवस्था में मां बन सकती है, ठीक है। तो अब यहाँ से जब अंडाणु का निर्माण हो जाता है, अंडाणु परिपक्व हो जाते हैं, मैच्योर हो जाते हैं, तो फर्टिलाइजेशन की क्रिया के लिए, निषेचन की क्रिया के लिए अंडाशय से अंडाणु निकलते हैं और वेट करते हैं यहाँ स्पर्म का। ये जो है जब अंडाणु यानी ओवम परिपक्व हो जाते हैं, किसके अंदर, अंडाशय के अंदर, तो ये निषेचन की क्रिया के लिए, फर्टिलाइजेशन की क्रिया के लिए इस रास्ते से निकल करके और यहाँ फ्लोबियन ट्यूब में आते हैं निषेचन की क्रिया के लिए, फर्टिलाइजेशन की क्रिया के लिए। तो आ करके और स्पर्म यानी शुक्राणु का वेट करते हैं, इंतजार करते हैं। तो शुक्राणु इस वजाइना के रास्ता से शुक्राणु यहाँ आता है और आने के बाद अंडाणु से ओवम से
मिलेगा कौन, स्पर्म यानी कि शुक्राणु, अंडाणु और शुक्राणु मिलेगा तो उस क्रिया को हम लोग क्या कहेंगे, निषेचन यानी फर्टिलाइजेशन की क्रिया। अगर फर्टिलाइजेशन की क्रिया सफल हो गया, सक्सेस हो गया, तो ए जायगोट का रूप लेगा, अंडाणु और शुक्राणु जब मिलेंगे तो क्या होगा, निषेचन का क्रिया, निषेचन जब सक्सेस हो जाएगा, सफल हो जाएगा, तो वो जायगोट के रूप में बदल जाएगा, युग्मनज के रूप में बदल जाएगा, और युग्मनज के रूप में जब बदल जाएगा तो यहाँ से जायगोट आकर के अग्राशय की परत से चिपक जाएगा, जिसको हम लोग आरोपण कहते हैं, ठीक है। तो आ करके चिपक जाए ना, तो क्या हुए, चिपक जाए गर्भाशय की दीवार से, तो वो भ्रूण यानी बच्चा बनने की प्रथम अवस्था जायगोट हो गया, और जब जायगोट आकर के इससे गर्भाशय की परत से चिपक जाएगा तो वो माने भ्रूण का निर्माण होने लगेगा, यानी बच्चे बनने की प्रोसेस चालू हो जाएगी, बच्चा बनना स्टार्ट हो जाएगा, और इससे भोज पदार्थ जब गर्भाशय की परत से जब चिपक जाएंगे तो उसको भोज पदार्थ मिलने लगेगा, ठीक है। अगर यदि यहाँ जो निषेचन का क्रिया सक्सेस होगा तब ये प्रोसेस होगा, जब निषेचन की क्रिया यानी कि मेल गैमेट और फीमेल गैमेट यानी कि शुक्राणु और अंडाणु दोनों मिलेंगे, सक्सेस हो जाएगा निषेचन, तो जायगोट का निर्माण होगा, होगा उसके बाद जायगोट बन जाएगा, बनने के बाद गर्भाशय की परत से चिपक जाएंगे। अगर निषेचन की क्रिया सक्सेस नहीं हुआ तब का हुई, जब निषेचन की क्रिया सफल ना हुई तब का हुई देखो, यानी कि निषेचन की क्रिया सफल ना हुई तो की हुई अंडाणु जो है क्या होगा, सड़ने लगेगा, अंडाणु जो है क्या होगा, सड़ने लगेगा, और सड़ करके और वजाइना के रास्ता से बाहर निकल जाएगा, इसको ब्रीदिंग का क्रिया होती है, इसको हम मेंस्ट्रुअल साइकिल, मासिक चक्र या शॉर्ट कट में एमसी कहते हैं, ठीक है। यानी कि ये सक्सेस हो जाएगा निषेचन की क्रिया, तो ये तो जायगोट का रूप लेगा और गर्भाशय की परत से चिपक जाएगा। अगर नहीं हुआ निषेचन की क्रिया सफल तो क्या होगा, ये जो है अंडाणु सड़ने लगता है, सर करके गल करके, और एक वजाइना के रास्ते से क्या होगा, बाहर निकलेगा, इसको हम ब्लीडिंग कहेंगे, यानी कि मासिक चक्र या शॉर्टकट में एमसी कहेंगे, ठीक है। तो फिर अगले वीडियो में